गुड मॉर्निंग, आई एम नीरज गौतम एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बॉयलर ड्रॉट. बेसिकली वी ऑल नो दैट कि बॉयलर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टीम को जनरेट करता है. स्टीम जनरेट करने के लिए हमें हॉट फ्लू गैसेस की जरूरत होती है, यानी गैसेस जो कि कंबशन के बाय प्रोडक्ट्स हैं. तो एक जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम में अगर आपको बॉयलर एक्सप्लेन करता हूं, तो आपके पास एक फर्नेस रीजन होता है. फर्नेस इसके अंदर होती है आपकी ग्रेट, ग्रेट एंड इस फर्नेस के अंदर से निकलती हैं हॉट फ्लू गैसेस जो कि आपके बॉयलर शेल को हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है. शेल पर्टिकुलर वो पोर्शन जहां पर बॉयलर के अंदर वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है. हम अपना वाटर इसी शेल के अंदर रखते हैं. इस शेल के दो पोर्शंस होते हैं, आप लोग को इतना पता होगा आई थिंक. एक होता है वाटर जोन और सेकेंड होता है स्टीम जोन. हॉट फ्लू गैसेस अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर करती है इस वाटर को एंड ये वाटर वेपराइज होता है. वेपराइज होने के बाद स्टीम जनरेट होती है. आप स्टीम स्टॉप वॉल्व से उस स्टीम को यूटिलाइज करने के लिए जो भी प्रोसेस है आपकी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां तक ले जाते हैं डिफरेंट पाइपिंग के थ्रू. नाउ अगर मैं चाहता हूं कि कंटिन्यूअसली कंबशन की प्रोसेस होती रहे इस पर्टिकुलर बॉयलर सेक्शन के अंदर या इस पर्टिकुलर फर्नेस के अंदर, तो मुझे जरूरत होती है फ्रेश एयर की. फ्रेश एयर और फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर मैं चाहता हूं कि ये जो हॉट फ्लू गैसेस यहां जनरेट हो रही हैं, वो हॉट फ्लू गैसेस मैं यहां से रिमूव कर दूं कंटिन्यूसली, जिससे मैं यहां पे कंटिन्यूसली फ्रेश एयर सप्लाई कर सकूं. क्योंकि प्रॉपर कंबशन के लिए एयर जरूरी है. अब इस पर्टिकुलर बॉयलर सेक्शन से जब मेरी हॉट फ्लू गैसेस फ्लो होती हैं, हॉट फ्लू गैसेस फ्लो होती हैं, तो इस बॉयलर पोर्शन को सेक्शन को क्रॉस करते हुए हॉट फ्लू गैसेस चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती है. ये क्या है आपकी चिमनी. चिमनी का जो बॉटम पोर्शन होता है वो कहलाता है स्मोक बॉक्स. स्मोक बॉक्स मतलब हॉट फ्लू गैसेस बॉयलर सेक्शन से पास होते हुए सुपर हीटर देन इकोनोमाइजर इन सब से होते हुए आपकी हॉट फ्लू गैसेस इस चिमनी बॉक्स में जाती हैं एंड देन यहां से एग्जिट टू द एटमॉस्फेयर को रिमूव कर देते हैं. मतलब सिंपल लैंग्वेज में हॉट फ्लू गैसेस फर्नेस से फ्लो होते हुए पूरे बॉयलर पोर्शंस में अपनी हीट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फाइनली इस पर्टिकुलर स्टैक वाले पैसेज से आउट हो जाती है. हॉट फ्लू गैसेस का फ्लो फ्रॉम द बॉयलर सेक्शन दैट मींस फ्रॉम द ग्रेट टू द एग्जिट ऑफ चिमनी पॉसिबल होगा ओनली व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. आपके बॉयलर के स्टार्टिंग पॉइंट और आपके बॉयलर के एंड पॉइंट के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है उसके कारण आपकी हॉट फ्लू गैसेस ग्रेट लेवल से मूव करेगी चिमनी सेक्शन तक एंड देन एटमॉस्फेयर तक. ये प्रेशर डिफरेंस ही ड्रॉट है. तो बेसिकली ड्रॉट इज द प्रेशर डिफरेंस
between the grate level hot flue gases and the gases at the exit point of chimney. Trot is the pressure difference between the grate level hot flue gases and the gases at the exit point of chimney. Once again, if I draw, this is my grate boiler section. Then your air preheater or first superheater. Then economizer. And air preheater, and then your smoke box. Smoke box or chimney. The flow of hot flue gases from grate from this portion, smoke box, chimney, and this is open to atmosphere. And there is a continuous supply of air needed for combustion. Now, the pressure difference, let the pressure at the exit point of chimney is P1 and pressure at the grate level hot flue gases is P2. This is the pressure at grate level hot flue gases, this is the pressure at the exit point of chimney. This pressure difference between grate level hot flue gases and hot flue gases at the exit point of chimney is delta P, and this is called as TRAUGHT dot. Okay. Now, there are many ways to produce this dot. First of all, we can produce by help of hydrostatic law, that means due to this hot flue gases column inside the chimney, we can produce dot. मतलब हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग किसी फ्लूड के अंदर और डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ पर जाते हैं तो उसका प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है. टॉप लेवल पर प्रेशर मिनिमम होता है और बॉटम लेवल पर प्रेशर हायर होता है. स्टडी फ्लो के केस में दैट मींस जितनी हॉट फ्लू गैसेस यहां जनरेट हो रही है उतनी हॉट फ्लू गैसेस यहां से पास हो रही है. चिमनी के अंदर एक स्टैटिक कॉलम ऑफ हॉट गैसेस बनेगा. इस हॉट गैसेस के कॉलम के बॉटम में दैट मींस ग्रेट लेवल के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा जो कि इस कॉलम की हाइट के प्रोपोर्शनल होगा, और इस कॉलम के टॉप लेवल पर प्रेशर मिनिमम होगा बिकॉज देयर इज नो हॉट फ्लू गैस कॉलम अबाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अगर मैं ड्रॉट इस पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमेना दैट मींस हाइड्रोस्टैटिक लॉ से डेवलप करता हूं, इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, एक चिमनी की जरूरत होगी, तो ये ड्रॉट कहलाता है नेचुरल ड्रॉट और चिमनी ड्रॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट. द क्लासिफिकेशन ऑफ
draught. तो आपको ये तो क्लियर है, डी आर यू जी एच टी ड्रॉट. ड्रॉट है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एग्जिट पॉइंट एंड द ग्रेट लेवल फ्लू गैसेस. ग्रेट लेवल फ्लू गैसेस का प्रेशर हायर होना चाहिए, तभी हॉट फ्लू गैसेस ग्रेट लेवल से मूव करेगी किधर, एग्जिट पॉइंट ऑफ चिमनी की तरफ. ड्रॉट में प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये प्रेशर डिफरेंस में प्रोड्यूस कर सकता हूं नेचुरली, दैट मींस बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचर. हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमने डिराइव नहीं किया है, हमने सिर्फ उसे फाइंड आउट किया है. ये डिराइव है फ्रॉम नेचर, नेचुरल ड्रॉट. सिंस इसके लिए मुझे किसी चिमनी की जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई मैं इसे कहूंगा चिमनी ड्रॉट. अदर वेज टू प्रोड्यूस ड्रॉट इज आर्टिफिशियल ड्रॉट. हम अपने घरों में एग्जॉस्ट फैंस लगाते हैं. एग्जॉस्ट फैंस का काम यही होता है कि वो इनर साइड पे सक्शन जनरेट करते हैं और जो हॉट गैसेस या जो ह्यूमिड एयर है रूम के इनसाइड में, उस ह्यूमिड एयर को सक करके आउटसाइड एनवायरनमेंट में भेज देती है. और क्योंकि इस पर्टिकुलर सक्शन से रूम के अंदर एक प्रेशर डिफरेंस लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता है स्लाइट पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर, तो कंटिन्यूसली एक एयर का फ्लो, फ्रेश एयर का फ्लो हमारे रूम में मेंटेन होता है. सिमिलरली बॉयलर सेक्शन में भी हम लोग चिमनी साइड पर और ग्रेट साइड पर फैंस और ब्लोअर्स का यूज करके आर्टिफिशियल ड्रॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं. आर्टिफिशियल ड्रॉट बेसिकली हम लोग मैकेनिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं और किसी और तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं. आर्टिफिशियली ड्रॉट में एक होता है स्टीम जेट, ड्रॉट एंड सेकेंड होता है मैकेनिकल ड्रॉट. स्टीम जेट ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ अ जेट ऑफ स्टीम एंड मैकेनिकल ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ फैंस और ब्लोअर्स using steam jet, generally in locomotive boilers. locomotive means आपके train का जो boiler होता है उसके लिए, और मरीन्स और शिप्स के अंदर जहां पर हम लोग हाइटेड चिमनीज नहीं बना सकते हैं, उन पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर हम लोग इन स्टीम जेट ड्रॉट यूज करते हैं. आपने देखा होगा ट्रेन की जो चिमनी होती है वो बहुत छोटी होती है. मैकेनिकल ड्रॉट हम लोग यूज करते हैं फैंस और ब्लोअर्स, एग्जॉस्ट फैंस और ब्लोअर्स. अगर आपने कभी सिगड़ी वाली चाय पियो किसी हिल स्टेशन के ऊपर, वो हाथ से घुमाता है उसको और चाय बनाता है कोयले के ऊपर, तो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर मशीन को वो रोटेट करता है कंटिन्यूअसली, वो है आपका ब्लोअर. आपने वर्कशॉप में काम किया होगा, वर्कशॉप में स्मिथि शॉप के अंदर जब हम किसी मटीरियल की हीटिंग करते हैं, हीटिंग के अंदर फर्नेस होती है, फर्नेस के साथ में एक पंप या और ब्लोअर का अरेंजमेंट होता है जो कंटिन्यूअसली फ्रेश एयर को सप्लाई करता है फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल. वो ब्लोअर जनरली फर्नेस सेक्शन के ऊपर जो हॉट कंबशन के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को वहां से रिमूव करता है और फ्रेश एयर के लिए वहां पर स्पेस को क्रिएट करता है जिससे कि फ्रेश एयर का कंटिन्यूस फ्लो वहां पर मेंटेन रहे. फैंस और ब्लोअर्स की हेल्प से मैं मैकेनिकल ड्रॉट एंड स्टीम जेट ड्रॉट मैं यूज करता हूं बॉयलर जैसे कि लोकोमोटिव. नाउ अब थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन. मैकेनिकल ड्रॉट, मैकेनिकल
drop. हम जानते हैं हमारे पास एक boiler section होता है, boiler जिसमें होती है एक grate, GRATE grate, है ना, and then हमारे सारे devices जैसे कि सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर एंड देन आती है हमारी स्मोक बॉक्स और ये है हमारा चिमनी पोर्शन. अगर मैं फैंस और ब्लोअर्स का यूज करता हूं, दिस इज अ सिंबल फॉर ब्लोअर. चिमनी के एग्जिट एंड के ऊपर, तो यहां पर वो क्या जनरेट करेगा? सक्शन. सक्शन प्रोड्यूस करेगा. इस सक्शन के कारण आपकी हॉट गैसेस यहां से बॉयलर सेक्शन से कंटिन्यूअसली सक होकर आपके स्मोक बॉक्स में आएगी एंड देन इस सक्शन के बाद में वो उसे थ्रो कर देगा अपसाइड. इससे हमारी हॉट एयर यहां से एनवायरनमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी. इस टाइप का ड्रॉट जिसमें मैं बॉयलर की गैसेस को सक करके चिमनी स्मोक बॉक्स तक एंड देन एग्जिट करवाता हूं, ये कहलाता है इंड्यूस्ड ड्रॉट. किस टाइप का ड्रॉट है? इंड्यूस्ड ड्रॉट. मैकेनिकल ड्रॉट में फर्स्ट काइंड आपका इंड्यूस्ड. आप देख सकते हैं इंड्यूस्ड ड्रॉट में मैं इंड्यूस कर रहा हूं किसी चीज के लिए, मैं उसी चीज में एक इच्छा को पैदा कर रहा हूं ताकि वो खुद मुझे मेरी तरफ खींची चली जाए. मैं यहां से उसको खींच रहा हूं, सक कर रहा हूं एंड देन सक के बाद मैं उसको वापस एनवायरमेंट में छोड़ रहा हूं. इंड्यूस ड्रॉट दैट मींस इंडक्शन, प्रेरित करना किसी को. मैं हॉट फ्लू गैसेस को स्मोक बॉक्स तक लाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, उसमें स्मोक बॉक्स की तरफ मूव करने की इच्छा को पैदा कर रहा हूं. मैकेनिकल रॉट आपका पंप, किस टाइप का? सक्शन पंप. किस टाइप का सक्शन पंप? कहां लगा होगा? स्मोक बॉक्स के एंड में. ठीक है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल रॉट इन विच, ये अगेन मेरा बॉयलर सेक्शन, बॉयलर आपका ग्रेट, उसके बाद अदर डिवाइसेस लाइक सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर एंड देन आपकी यहां से चिमनी स्मोक बॉक्स. ये सीक्वेंस आपको पता होगा कि बॉयलर सेक्शन के बाद सुपर हीटर, देन इकोनोमाइजर, देन एयर प्री हीटर, देन आपका स्मोक बॉक्स एंड देन एग्जिट टू दी एटमॉस्फेयर. हॉट फ्लू गैसेस फ्लो होंगी. अब अगर मैं ग्रेट के बॉटम से उन्हें पुश करके, उन्हें फोर्स आउट करके यहां से बाहर निकालता हूं धक्का देकर, तो यह होगा फोर्स्ड ड्रॉट. फोर्स्ड ड्रॉट जिसमें आपका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है, ये छोटा सा यहां पर बनाया मैंने, पंप, ये इन गैसेस को क्या करेगा? पुश करेगा, हॉट फ्लू गैसेस को यहां से धक्का लगाएगा एंड जिसके कारण यहां पर हॉट फ्लू गैसेस फ्लो करेंगी. आपने सुना होगा एक जोक है, उसमें कहते हैं कि वो अगर किसी को यहां बुलाना हो तो क्या बोलेंगे?
कम हियर, है ना? एंड अगर किसी को दूसरे वाले पॉइंट पे बुलाना हो तो क्या करेंगे, इस जगह पे जाएंगे और कहेंगे कम हियर, है ना? दोनों ही तरीके में क्या हो रहा है, आप सक्शन कर रहे हो. सेकेंड, अगर मैं इसे सिंपली ये बोलता हूं गो देयर, तो इसका क्या मतलब है, मैं उसे वहां भेज रहा हूं पुश करके, मैं उसे वहां बुला नहीं रहा हूं. इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप इंड्यूस कर रहे हो, आप गैसेस को खींच रहे हो अपनी तरफ, एंड देन इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप बोल रहे हो गो देयर, आप उसे फोर्स आउट करके उसकी डायरेक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपके बॉयलर सेक्शन से कंटिन्यूसली आपकी गैसेस आपके चिमनी सेक्शन में चली जाए. इस टाइप के ड्रॉट को हम कहते हैं फोर्स्ड ड्रॉट, फोर्स्ड ड्रॉट, फोर्स्ड ड्रॉट. अब अगर मैं इस टाइप का कोई डिवाइस जनरेट करता हूं जिसमें मैं फोर्स भी करूंगा ये आपकी ग्रेट और ये पूरा बॉयलर सेक्शन, एंड देन आपका ये क्या आ जाएगा चिमनी, चिमनी. इन दैट केस इफ मैं एक फैन और ब्लोअर यहां पे लगाता हूं स्मोक बॉक्स में और एक फैन और ब्लोअर मैं यहां लगाता हूं, मतलब मैं हॉट फ्लू गैसेस को यहां से पुश करूंगा और यहां से इंड्यूस करूंगा, एंड हॉट फ्लू गैसेस का फ्लो अगेन वही उसी पैटर्न से जैसे होता है. बट इस टाइप का ड्रॉट जिसमें मैं फोर्स फैन का या ब्लोअर्स का यूज कर रहा हूं एज वेल एज सक्शन या एग्जॉस्ट फैन का भी यूज कर रहा हूं, यह कहलाता है आपका बैलेंस्ड ड्रॉट और मिक्स्ड ड्रॉट, बैलेंस्ड और मिक्स्ड ड्रॉट. थर्ड काइंड का मैकेनिकल ड्रॉट आपका होगा सी, बैलेंस्ड और मिक्स्ड ड्रॉट, बैलेंस्ड और मिक्स्ड ड्रॉट. तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मैकेनिकल ड्रॉट्स, इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट एंड बैलेंस्ड ड्रॉट. Induce suction fan in the bottom of smoke box, forced suction pump or fan or blower, sorry not suction pump, it's a fan or blower at the bottom side of grate, kyunki fresh air ko continuously supply karega yahan pe aur push karke bahar nikalega. एंड बैलेंस ड्रॉट जिसमें आपका फैन और ब्लोअर एज वेल एज सक्शन पंप हम लोग दोनों का यूज करते हैं, ये हो गया मिक्स ड्रॉट. सिमिलरली वी कैन प्रोड्यूस द ड्रॉट बाय हेल्प ऑफ स्टीम जेट. वी नो दैट बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट कि जब भी एयर का बहुत ज्यादा फ्लो होता है तो सिंस द वेलोसिटी इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस, या एक पर्टिकुलर फ्लो के कारण हम लोग डिफ्यूजर्स का यूज करके प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं. तो स्टीम जेट ड्रॉट में जैसे कि अगर लोकोमोटिव बॉयलर है, आपने देखा होगा लोकोमोटिव बॉयलर कैसा होता है, इट्स अ फायर ट्यूब बॉयलर, है ना, फायर ट्यूब बॉयलर. और यहां होता है इसका फर्नेस रीजन, फर्नेस ये है इसकी ग्रेट. ग्रेट ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टीम जेट ड्रॉट की. यहां पे
ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या है आपका? देखो चिमनी एक तो छोटी है और एक दूसरी चीज उल्टी लगी हुई है। स्टीम जेट इधर बहुत हाई प्रेशर से, हाई वेलोसिटी से अगर मैं स्टीम को ब्लो करवाता हूं स्टीम, तो इस पर्टिकुलर रीजन में लो प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर, और आपकी जो हॉट गैसेस है वो फर्नेस साइड से इन फायर ट्यूब्स में से फ्लो होते हुए इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। इट्स अ फायर ट्यूब बॉयलर, है ना? ट्यूब्स के बीच में क्या होगा? वाटर। ट्यूब्स के बीच में क्या होगा? वाटर, ब्लू कलर से बनाया मैंने। स्टीम जेट डॉट, स्टीम के हाई वेलोसिटी के कारण, यहाँ नोजल है, नोजल से स्टीम जेट, ये स्टीम जो है ये स्टीम आपके जो इंजन सेक्शन है वहां से आएगी। कहाँ से आएगी? इंजन सेक्शन से। कहाँ से? एग्जॉस्ट होके, एग्जॉस्ट फ्रॉम द इंजन, है ना? आपका स्टीम इंजन का जो सिलेंडर है वो स्टीम कंटिन्यूसली जो एग्जॉस्ट करेगा वो वेस्ट स्टीम मैं यूटिलाइज करूंगा इस ड्रॉट को प्रोड्यूस करने के लिए। स्टीम जेट ड्रॉट, इसमें भी देखिए आप, यहां पर आप स्मोक बॉक्स साइड पर यानी चिमनी के जस्ट बॉटम में आप लोग लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर रहे हैं। ये हो गया आपका स्टीम जेट, और किस टाइप का? इंड्यूस्ड स्टीम जेट, इंड्यूस्ड ड्रॉट। स्टीम जेट इंड्यूस्ड ड्रॉट, ठीक है? ये बात हुई सक्शन की। अब अगर सिमिलरली मैं अपने किसी बॉयलर सेक्शन के अंदर, ग्रेट पोर्शन के अंदर, ग्रेट, और ये आपका क्या है? बॉयलर सेक्शन, और ये आपकी चिमनी। मैं ग्रेट के नीचे एक डिफ्यूजर लगा दूं, डिफ्यूजर वो डिवाइस होता है जो कि गैसेस के या पर्टिकुलर फ्लूड का प्रेशर को इंक्रीज करता है। हाई प्रेशर पे अगर मैं यहां से स्टीम को छोड़ता हूं तो इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पोर्शन में प्रेशर इंक्रीज होगा और आपकी हॉट फ्लो गैसेस को वो पुश करके यहां से बाहर निकालेगा। सेकेंड हो गया आपका बी, फोर्स्ड स्टीम जेट ड्रॉट, फोर्स्ड स्टीम जेट ड्रॉट। तो ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ बॉयलर के अंदर हम ड्रॉट कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार देख लेते हैं एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन। ड्रॉट कैसा? दो से, फर्स्ट हम लोग चिमनी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, चिमनी और नेचुरल ड्रॉट, ठीक है? इसका प्रिंसिपल आपका क्या है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ, कि हाइट ऑफ चिमनी जितनी ज्यादा होगी उतनी फ्लूड कॉलम की लेंथ ज्यादा होगी, जितनी फ्लूड कॉलम की लेंथ ज्यादा होगी
उतना ही बॉटम पोर्शन में प्रेशर इंक्रीज होगा और अपर पोर्शन पे प्रेशर डिक्रीज रहेगा। और सेकंड चीज आपका आर्टिफिशियल रॉट, आर्टिफिशियल रॉट अगेन दो पर टाइप से क्लासिफाई करता हूं, स्टीम जेट थ्रू अ जेट ऑफ स्टीम और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फ्लूड एनर्जी में, जैसे कि फैंस, ब्लोअर्स, कंप्रेसर्स, ये सब वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो डिवाइसेस हैं जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और आपके फ्लूड की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, वन इज इंड्यूस्ड, सेकेंड वन इज फोर्स्ड एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड। इंड्यूस्ड में आपके चिमनी साइड के अंदर या स्मोक बॉक्स में आप अपना इंडक्शन फैन लगाएंगे या एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे सक्शन क्रिएट करने के लिए। फोर्स्ड डॉट में आप ग्रेट साइड पर फैंस और ब्लोअर्स का यूज करेंगे हॉट फ्लू गैसेस को पुश करने के लिए। एंड मिक्स्ड डॉट में आप इंडक्शन एज वेल एज फोर्स दोनों का यूज करेंगे। ऐसा तब कर सकते हैं जब आपका बॉयलर सेक्शन काफी बड़ा है और जहां पे आपके फोर्स फैन का इफेक्ट एंड हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आपका इंडक्शन फैन अपना इफेक्ट स्टार्ट करेगा। एंड स्टीम जेट ड्रॉट इंड्यूस्ड एज वेल एज फोर्स्ड, फोर्स्ड स्टीम जेट जिसमें से मैं हमारे इंजन या टर्बाइन्स की एग्जॉस्ट स्टीम को भी यूज करता हूं, इसीलिए स्टीम जेट को टर्बाइन ड्रॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्बाइन ड्रॉट, बिकॉज मैं टर्बाइन से निकलने वाली स्टीम को इसमें यूज करता हूं टू रिड्यूस टू जनरेट प्रेशर डिफरेंस। So it's a brief introduction of draught and classification of draught. Now in next section we will discuss how to produce chimney draught and the height of chimney. Okay, thank you.